अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। ये अद्भुत अनुभव है, हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघीय गणराज्य नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे। पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को देखते ही प्रवासी भारतीय खुशी से झूम उठे और हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसी कड़ी में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूं और यह हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, उनको मिलकर उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साह वर्धन किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफ़ी समय से रह रहा है, काम करता है। मैं खुद फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करता हूँ पूरे नाइजीरिया में। और यकीन मानिए नाइजीरियंस के उनके ऊपर भी उनके आने को लेकर के काफ़ी उत्साह है और वैसे भी भारत के बारे में वो अब जो उत्सुकता और जागरूकता बढ़ी है, जिस हिसाब से भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देख रहे हैं उससे वो प्रभावित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। ये अद्भुत अनुभव है, हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की धरती पर आएँ और हम सभी भारतीयों का उत्साहवर्धन करें। हाँ, हमने पीएम को संदेश दिया कि हम कितने गौरव की अनुभूति कर रहे हैं, उनके आने से नाइजीरिया और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आने की उम्मीद की जा रही है और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेष तौर से भारत को काफ़ी लाभ मिलेगा। पीएम ने विश्वास जताया कि अभी समय की कमी है और इसको विशेष चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का। और ये मैंने स्केच बनाया है, मुझे स्केच करना बहुत पसंद है और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं और उन्होंने ये स्केच देखते ही साइन किया अपना, तो मेरी मेहनत तो बहुत बहुत सफल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज वो अबुजा में आए। हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना और वो बहुत खुश हुए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत बहुत खुशी हुई। मेरे वी आर वेरी प्राउड दैट प्राइम मिनिस्टर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फाउंड अ टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल इन महाराष्ट्र इलेक्शंस एंड ही केम टू सी अस। दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वेरी गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया and we are proud very proud feeling here. We all are from Brahma Kumaris to receive, greet and appreciate his presence over here. Unka aana hi itni khushi ki baat hai, aap dekh sakte hain itne samay se itne ghanton se sabhi khade hain, itni umang utsah kisi mein bhi kami nahi hai, har koi dil ekdam bhara hua hai pyar aur sneha se aur hamari dil ki shubhkamnaye hain wo apni yatra mein aise rahe। उनका चेहरा देखते ही सबके चेहरे खिल गए क्योंकि इतनी रूहानियत है उनके चेहरे पे से, जो प्रेरणा मिली है सबको कि लगता है कि ये हमारा लीडर ही नहीं पर ये हमारा परिवार है। उनको देखकर लगता है ये प्रतिनिधि है भारत का, ये भारत का चेहरा है, अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, बहुत बहुत हम गौरवान्वित है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलकर। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। वो इतना हम खुशी है उनसे मिलकर, हम सुबह से लाइन में लगे हैं, अभी मौका मिला उनसे मिलके, हम बहुत बहुत खुश हैं।